एक नया वीडियो दोस्तों आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिन बाद हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी था। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे 8 LPM वाला जो स्प्रे पम्प होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही हाई डिस्चार्ज वाला, उसके बारे में एंड इसका पूरा स्पेसिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो पहले तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो पंप होता है ये 12-14 वोल्ट का होता है एंड इसका जो करंट लिमिट होता है मैक्सिमम 4.5 एम्पीयर का होता है। तो आप लोग इजीली इसको चलाने के लिए 12.5 एम्पीयर का अडैप्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग दोस्तों 12.3 एम्पीयर का अडैप्टर यूज़ करते हैं, मगर इस पंप के लिए 5 एम्पीयर का अडैप्टर सबसे बेस्ट होगा। फ्लो मैक्सिमम आपका 8 लीटर मिलेगा एंड जो प्रेशर लिखा है दोस्तों 160 PSI वाला प्रेशर है, ठीक है। एंड दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि इस प्रेशर पंप से हम लोग पेट्रोल डीजल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों प्रेशर पंप में दोस्तों लिक्विड को एक तरीके से प्रेशराइज करके उसको वन साइड से दूसरे साइड पर फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रेशर पंप में कभी भी आपका फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है, जितना सा भी फ्लेमेबल लिक्विड होता है वो कभी भी फ्लो नहीं करना चाहिए। जो जो नॉन फ्लेमेबल होता है जिसमें आग नहीं पकाता वो आप फ्लो कर सकते हो, मगर पेट्रोल डीजल टाइप का फ्लेमेबल लिक्विड कभी भी फ्लो करना नहीं चाहिए। अब इसका पूरा टेस्टिंग करके दोस्तों, मेरा घर पर एकदम नीचे से लेकर 2 मंजिल तक का मेरा घर है पुराना टाइप का, तो उधर पे पूरा टेस्टिंग करेंगे, इसका फ्लो वगैरह ये सब चेक करेंगे एंड पंप कैसा है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। ये देखिए इधर पे पानी रखा है और ये रहा पंप। ठीक है, इसका ये वाला पाइप, ये वाला पाइप आपका पानी जाच्चे। আরে তুই এখানে এত পেশা মাছি ওই জন্য ওখানে বেরিস্ট হয়ে যাচ্ছে। ও বাইরে বেরিয়ে গেল না যে तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए एंड आपने देख ही लिया कि कैसा पावरफुल पंप है। 2 मंजिल तक बहुत ही अच्छे से पानी पहुंच रहा है, आप चाहे तो 3-4 मंजिल तक भी ये पानी दे देगा एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। प्रेशर भी देगा, 2 मंजिल के बाद भी कितना ज़्यादा प्रेशर है एंड उसके बाद अगर आप नोजल सिस्टम का यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। मैं तो बस हाथ से स्प्रे कर रहा था तब भी इतना ज़्यादा है, तो नोजल लगेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा होगा प्रेशर, ठीक है। बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो जैसे बताना एंड चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।